हेलो एवरीवन, फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टिंग की, साथ में बात करते हैं ट्रेडिंग की। अगर आपको स्टॉक मार्केट के साथ अपडेट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी फाइनेंस की लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले, उसमें बहुत ही गजब की न्यूज आई है, साथ में हमें पिछले दिन की जो परफॉर्मेंस रही है वो सब देखेंगे। तो सीधे आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ, फिर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले वो बता देता हूँ। तो स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। जी हाँ, ट्राइडेंट लिमिटेड बेहद बहुत ही गुड क्वालिटी का मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर आपके पास 5 ईयर का टाइम है, बेफिकर होकर आप जब भी गिरावट डिप मिले आप माल उठाओ। स्टॉक की ब्रीफिंग देखेंगे, बाय होल्ड और सेल रिकमेंडेशन पर थोड़ी सी फोकस रहेगी, साथ में इसके टेक्निकल पैटर्न्स को भी फॉलो करेंगे। तो आप वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिए, जब तक कि कंप्लीट टेक्निकल पॉइंट्स आपको बता ना दूं। तो चलिए सीधे लेके आ जाता हूं आपको एनएसई की वेबसाइट पे, जहां पे हम लोग कल के कारोबार की बात करेंगे, यानी पिछले दिन के कारोबार की बात करेंगे। फ्राइडे के अगर कारोबार की बात करें तो लगभग आपको यहां पे 2% की गिरावट देखने को मिली, जो कि बहुत ही भारी गिरावट मानी जा सकती है। स्टॉक ओपन होता है 20 रुपए 25 पैसे पे, देख सकते हो आप, यानी गैप डाउन ओपनिंग होती है। वहां से एक अपसाइड का मोमेंटम आपको 20 रुपए 75 पैसे के देखने को मिलता है, फिर एक डिप लगाता है 20 रुपए 10 पैसे का। तो बहुत ही उठापटक हुई कल के दौरान। यहां पर देखा जाए अगर ऑर्डर बुक की, तो ऑर्डर बुक में आपको एक, यानी ओपनिंग इसकी डिप के साथ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, यानी आपको ओपनिंग एक डिप में देखने को मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये बनती है। अब आते हैं कल क्या क्या अच्छा हुआ है यहाँ पे। तो इसे स्टॉक में देखिए टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है, तो 1,86,00,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई, जिसमें 81 लाख, यानी कि 43.71, लगभग 45% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी डेटा निकल के आ रहा है यहाँ पर इस स्टॉक के लिए। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और समझ लेते हैं यहाँ पर जो न्यूज निकल के आ रही है। तो न्यूज बहुत ही बढ़िया है, और मैंने आपको बताया भी था कि न्यूज इससे पहले मैंने अपडेट भी किया था, बट वो आज मार्केट में लॉन्च हो चुका है। देख सकते हो 20 अगस्त का ये न्यूज है, ट्राइडेंट ग्रुप वेंचर इनटू इंडियन डिटर्जेंट मार्केट विद ट्राई सेफ वॉशिंग पाउडर। देखो इन्होंने क्या किया, मार्केट में एक नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की विद ट्राई सेफ। पहले ये टॉवल बिजनेस में थे या क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज में थे, लेकिन अब ये डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं। साथ साथ आप इसको आप समझ सकते हो FMCG प्रोडक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, जो कि डेली बेसिस पे घरेलू यूज होते हैं। यानी अब जो ट्राइडेंट ब्रांड है वो ट्राइसेफ ब्रांड के नाम से हर एक इंडियन के घर में मतलब अपनी वो लगाने जा रहा है। इससे क्या होगा, आपको 2-3 चीजें बता दे रहा हूँ लॉन्ग टर्म विजनरी के लिए। पहला देखिए, जो इन्होंने अपना टैगलाइन रखा है, गुडनेस ऑफ नीम और स्वच्छता पर हक है तो सबका, यानी ये जो लाइनिंग यहाँ पर रखी हुई है, देखिए ये फंडामेंटल मैं बता रहा हूँ जो चेंज होने वाला है, ये फंडामेंटल चेंज होने वाला है, क्योंकि देखिए सब लोग अभी नेचुरल नेचर वाली चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक नेचर वाला वो मतलब मसाला लगा लिया, इसका बेनिफिट इन्होंने यहाँ पे ले लिया। दूसरी बात ये कि ट्राइडेंट के प्रोडक्ट मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होते हैं, आप मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैक्सिमम 80% लोगों को नहीं पता होता कि ट्राइडेंट का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बेस क्या है। तो अब ये जो है इनका पेनिट्रेशन जो है, यानी जो इनकी पहुंच है, वो अब हर एक इंडियन हाउस होल्ड तक पहुंचने वाली, इन्होंने पेनिट्रेशन वाली मतलब जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाई है। मैनेजमेंट तो है ही इनका बहुत ही दमदार, जो भी मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये मूव मेरे को बहुत पसंद आया, फंडामेंटली बहुत चेंजेस आएंगे इसके वजह से, रेवेन्यू पे इनके इंपैक्ट पड़ेगा, रेवेन्यू जरूर से जरूर बढ़ेगा, भले ही इनका जो है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मार्जिन के लिए इस बिजनेस को ना भी रखे तो भी इनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो बन के आएगा। अब आते हैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ स्वॉट एनालिसिस में। स्वॉट की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, कंपनी विद हाई टीटीएम ईपीएस, यानी कि कंपनी का ईपीएस बहुत ही अच्छा हुआ है। वीकनेस की बात करें तो नेगेटिव ब्रेकडाउन हो चुका है इसका पहले सपोर्ट से, ठीक है, वो मैं आपको टेक्निकल पॉइंट पर बताऊंगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ब्रोकर अपग्रेडेड यहाँ पे रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस, तो यहाँ पे ब्रोकर ने इनको अच्छा रिकमेंडेशन किया हुआ है। बात करें यहाँ पे थ्रेट की, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, यानी नॉन कोर मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, जैसे आप ट्राइसेफ इनका ब्रांड है तो ये उनका कोर बिजनेस नहीं है, अब इसमें भी ये अपनी हाथ को आजमाइश कर रहे हैं। तो इस टाइप का इनका जो मार्केट वो है वो इस तरफ की ओर इनका ज्यादा ध्यान है। अब आते हैं देखिए इनके पास अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो आप सीधे सीधे देख सकते हो इनका 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है,
ये बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी यहां से बना रहा है, जो कि आपके लिए अगर आप इसके शेयर होल्डर बनते हो तो आपके लिए बहुत ही ओपन मार्केट मिलने वाला है। अब आते हैं रिटर्न की प्रोफाइल देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद टेक्निकल पॉइंट्स पे लेके चलूंगा। रिटर्न की प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हो पिछले अगर एक वीक की बात करें तो आपको यहाँ पर 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, लगभग 6% की बात हो रही है। बात करें पिछले एक महीने की तो 16% का पॉजिटिव रिटर्न, बात करें 3 महीने की तो 20% का पॉजिटिव रिटर्न, बात करें सिर्फ इस यानी 2021 की बात करें तो 104% का रिटर्न, बात करें 1 ईयर की तो 197% का रिटर्न, बात करें 3 ईयर की तो 224% का रिटर्न। यानी रिटर्न काफी दमदार है, मल्टी बैगर शेयर है और रियल में यह मल्टी बैगर शेयर है, मुझे बहुत पसंद है। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट्स पे, तो टेक्निकल पॉइंट्स पे देख सकते हो आप कंपनी यहाँ पर अपने अभी भी अपने मतलब ईएमए के ऊपर है, 20 डेज के ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर 19 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 19 रुपए 20 पैसे, अभी भी इसमें बुलिशनेस जारी है, क्योंकि ये कंपनी जो है अभी आप देख सकते हो पीवट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी अभी भी बुलिशनेस इसमें बाकी है, बियरिश ट्रेंड में एंटर नहीं किया है। 19 रुपए 20 पैसे के सपोर्ट को जब ये ब्रेक डाउन कर दे तो सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे 17 रुपए 75 पैसे, उसके नीचे 14 रुपए 85 पैसे, यानी 17 रुपए 14 रुपए पे यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल। आप बात करते हैं रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस यहाँ पर देख सकते हो पहला लेवल है 22 रुपए 10 पैसे, जो कि पिछला भी इसका रेसिस्टेंस है, कंपनी उसको तोड़ना चाहिए बट तोड़ नहीं पाई, ना ही सर्वाइव कर पाई, वहां से ब्रेकडाउन हो गया कंपनी का। बात करें दूसरे रेसिस्टेंस की तो वो है 23 रुपए 55 पैसे, और थर्ड रेसिस्टेंस की बात करें यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों रेसिस्टेंस आप देख सकते हो, पहला आपको 22 रुपए 10, दूसरा यहाँ 23 रुपए 55 पैसे, और चौथा तीसरा हमारा 27 रुपए 90 पैसे। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट की बात मैंने आपको बता दी, 19 रुपए 20 पैसे, 17 रुपए 75 पैसे और 14 रुपए 85 पैसे। बात करेंगे आरएसआई इंडेक्स का तो आरएसआई इंडेक्स अभी भी हेल्दी जोन में है, ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन में है, ना ही ज्यादा वीक जोन में है। तो आप यहाँ पर इन्वेस्टर अगर आपके पास 5 ईयर का टाइम है तो आप मतलब उठाना शुरू कर सकते हो जब भी गिरावट डिप मिले। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सबका खैर, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अगर कंप्लीट एनालिसिस चाहिए सिर्फ ट्राइडेंट पे तो आप बता देना, न्यूज नहीं उसमें प्रूफ, कोई न्यूज कवर नहीं करूंगा, सिर्फ इसके फंडामेंटल्स और मतलब इसके इंटरनल एनालिसिस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सबका खैर।